हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी डेटी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स और जो फ्रेशर्स हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम देखी है कि एक्चुअल में उन्हें ये आइडिया ही नहीं है कि किस फील्ड में आज की डेट में कितनी ज्यादा ग्रोथ है, किस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ऐसे में दोस्तों वो आसपास के लोगों को फॉलो करते हैं, वो ये देखते हैं कि उनके आसपास क्या लोग कर रहे हैं। किसी को अगर वेब डेवलपमेंट में जॉब मिल गई तो वो वेब डेवलपमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन कई बार उनका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट की ओर नहीं होता है। कुछ लोग दोस्तों अपने फील्ड को चेंज कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन से फील्ड में कितनी ज्यादा आने वाले समय में ग्रोथ मिल सकती है, कितनी सैलरी मिल सकती है, वो फील्ड आपके लिए सही है कि नहीं, और ये सारी चीजें दोस्तों आपको उन लोगों के बारे में द्वारा बताया जाए जिन्होंने ऑलरेडी उस फील्ड में कई सालों का एक्सपीरियंस कर रखा हुआ है। तो इससे अच्छा दोस्तों आपके लिए मेरे ख्याल से कोई और गाइडेंस नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फ्री वेबिनार्स के बारे में, कुछ ऐसे फ्री सेमिनार के बारे में जहां पे एक्सपीरियंस लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आज की डेट में कितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। खासकर दोस्तों आज की वीडियो में हम टारगेट करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस और ईवी के ऊपर जो अभी फ्री वेबिनार्स आपके लिए हो रहे हैं इसके बारे में। अगर आप उन लोगों में से दोस्तों जिसे हमेशा ये डाउट रहता है कि मुझे डेटा साइंस की ओर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, डेटा साइंस की ओर कितनी ज्यादा सैलरी अभी मिल सकती है, मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अभी इंडिया में ही 90,000 ओपनिंग्स अवेलेबल है डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। अगर आपके आपको इसका अच्छा नॉलेज है तो आपको इस ओर जॉब मिल सकती है, काफी आसानी से जॉब मिल सकती है। लेकिन इसके लिए क्या रूल में आपको फॉलो करना चाहिए, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, इसे जानने के लिए आपको दोस्तों एक एक्सपर्ट्स की गाइडेंस की काफी ज्यादा जरूरत होती है, और ये गाइडेंस आप बिल्कुल फ्री पे अभी ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि 10 लाख नए वैकेंसीज ईवी के फील्ड में आने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी, या फिर आप सीएसआईटी के हैं और ईवी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको आने वाले समय पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ईवी के फील्ड में मिल सकती है। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस अगर आप फ्री पे पाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको जो 2 स्पेशल वेबिनार बता रहा हूं दोस्तों, जिनमें आपको इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स गाइड करने वाले हैं सैलरी से लेके रूल से लेके, ये चीज आप अभी बिल्कुल फ्री पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है दोस्तों। सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कैसे आपको अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में डेटा साइंस का एक ऐसा फ्री कोर्स बताने वाला हूं जिसे कंप्लीट करने पे आप सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, नॉलेज भी पा सकते हैं। तो मतलब आप अगर चाहे तो इस वेबिनार को अटेंड कर लीजिए, सारा रोड मैप आप फॉलो करिए जो ये एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं उसे जान लीजिए, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो डेटा साइंस के इस कोर्स को आप बिल्कुल फ्री पे कर सकते हैं। चलिए डिटेल में आपको मैं इन वेबिनार्स के बारे में बताना स्टार्ट कर सकता हूं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों करियर अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिजाइन, एक तो ये सेमिनार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, रोल एंड सैलरी इन डेटा एनालिटिक्स। ये मेरे पास हमेशा कमेंट आता रहता है कि सर हमें डेटा साइंस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं वो राइट पर्सन नहीं हूं जो कि आपको इस ओर गाइड करूं। आपको दोस्तों यहां पे जो गाइडेंस देने वाले हैं ना, ये देने वाले हैं मिस्टर रोहित गुप्ता, जिन्हें दोस्तों 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस ओर, और जिन्होंने दोस्तों कई सारी कंपनियों के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स डेटा साइंस के फील्ड में किए हुए हैं। ये दोस्तों आपको गाइड करेंगे कि ये फील्ड आपके लिए सही है कि नहीं है। सारी चीजों को आप समझिएगा, अगर आपको लगेगा ये फील्ड है तो आप इस ओर जो मैं आपको कोर्स बताऊंगा उसे फ्री पे करके अपनी जर्नी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि ये जो वेबिनार अभी आपके लिए फ्री में आपके लिए लेके आया हूं इसमें कब की डेट है, तो दोस्तों ये कल शाम को 6 बजे होने वाला है। ऐसे में आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, कई सारे लोग हैं दोस्तों जिन्हें ये डाउट है कि उन्हें डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं, डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं। मैंने कई बार ये भी देखा है कि कई ऐसे बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं जो कि डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंस के डिफरेंट डिफरेंट रोल जैसे कि एमएल इंजीनियर की ओर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप उन लोगों में से आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो ये रोड मैप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर बात कर ली जाए दोस्तों कि ये बेसिकली क्या आपको इसमें बताया जाएगा, तो जो रोल होता है दोस्तों इसमें क्या करना होता है, कितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कैसे आपको जॉब सर्च करना है, कौन सी स्किल सेट को आपको डेवलप करना है, ऐसे क्या तरीके हैं जिसके जरिए आपको जल्द से जल्द जॉब मिल सकती है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएगी। सैलरी ग्रोथ कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी, और बड़ी बात प्रॉपर रोडमैप मिलेगा कि किस तरीके से आपको डेटा एनालिस्ट की फील्ड में
आगे बढ़ना है। अदरवाइज दोस्तों लोग इधर उधर की बस वीडियो देखते रह जाते हैं, उन्हें कुछ गाइडेंस ही नहीं रहता कि उन्हें क्या करना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री पे करने का मौका मिल रहा है। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिजाइन के ऊपर एक और मैं आपके लिए वेबिनार बिल्कुल मास्टर क्लास फ्री पे लेके आया हूँ, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी कल शाम को 6:30 बजे होने वाला है। तो ऐसे मेरे कई सारे दोस्त हैं दोस्तों, हमारे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं और इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि किस और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस वजह से दोस्तों वो अपना ज्यादातर जो टाइम है वो डिवोट कर देते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग सीखने की ओर, लेकिन उनका अल्टीमेटली गोल अपने फील्ड में अच्छा करना होता है। तो ये फील्ड भी आपके लिए काफी अच्छा है दोस्तों, इसमें भी काफी ग्रोथ आपको आने वाले कुछ सालों पे देखने के लिए मिलने वाली है। और ये चीज दोस्तों आपको क्लियर करेंगे मिस्टर चंद्रेश जी, जिन्हें दोस्तों 28 ईयर का एक्सपीरियंस है। जी हाँ दोस्तों 28 ईयर का एक्सपीरियंस, इससे अच्छा आपको कोई दोस्तों फ्री पे गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो आप दोस्तों ये ऑलरेडी ईवी पे कई सारे समय से काम कर रहे हैं, कई सारे इन्होंने प्रोडक्शन किए, तो आपको इनके वेबिनार को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्या करेंगे दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं, दोनों वेबिनार कल होने वाले हैं दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ये फॉर्म आ रहा है, इसे आपको फिल करना है, जहां पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें डाल देनी है। मैं आपको बता दूं आप में से हर कोई जो कि स्टूडेंट है, चाहे वो फ्रेशर है या फिर ऑलरेडी कहीं पे जॉब है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद होगा क्या दोस्तों, आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपको एक ईमेल मिल चुका है जिसमें लिंक है, जिसके जरिए आप इस वेबिनार को फ्री पे ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर उसका फायदा उठाइएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी इतने टॉप लेवल से फ्री पे सीखने के लिए काफी कम समय ही आपको मिलती है। वहीं पे दोस्तों अगर आप डेटा साइंस का फ्री कोर्स करना चाहते हैं, साथ में सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, इसके लिए पाइथन सीखना चाहते हैं, आर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूं। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों हम हैं एकेडमी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे डेटा साइंस का पूरा एक सेक्शन ही बना हुआ है। मतलब डेटा साइंस पढ़ने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पे यहां पे मिल जा रही है। आपको दोस्तों क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, इन कोर्सेज के इनरोल करना है। और मैं आपको बता दूं कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी को कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री पे मिल जाता है। इंटरेस्टेड होंगे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू सो मच।